विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टार पुरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी हालिया रिलीज फिल्म लाइगर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद की गई थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया। 160 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 35 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं अब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने की वजह को लेकर प्रोड्यूसर गोल्डी बहल ने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये कैंसल कल्चर की वजह से हुआ हो। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज बायकॉट कल्चर ट्रेंड की वजह से फेल नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिनेमा घरों में जाने वाले और सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंड करने वालों का आंकड़ा मिलाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा। गोल्डी बहल ने आगे कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि बायकॉट ट्रेंड की वजह से कोई फिल्म नहीं चली। बायकॉट ट्रेंड किसी भी अच्छी फिल्म को चलने से नहीं रोक सकती है। मेरा मानना है कि अगर कोई फिल्म दर्शकों को कनेक्ट कर पाती है तो उसे हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन वहीं ये बहुत दुर्भाग्यशाली है कि लोग फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ ऐसी नफरत फैला रहे हैं।